हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में बॉलीवुड के बेस्ट एक्टर इरफान खान के बेटे बाबिल खान की मूवी काला की टीजर रिलीज़ के बारे में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, बाबिल खान की मूवी काला का टीजर यूट्यूब पर रिलीज़ कर दिया गया है। काला मूवी से इरफान खान के बेटे बाबिल खान फिल्म में डेब्यू कर रहे हैं। इरफान खान ने हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम जैसे कई फिल्में बनाकर लोगों के दिल में अपनी एक अलग ही जगह बना ली है और अब बाबिल खान काला मूवी से बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। इनकी मूवी का टीज़र भी रिलीज़ कर दिया गया है। टीज़र बहुत ही अच्छा है और लोगों को खूब पसंद भी आ रहा है और फैंस का बेशुमार प्यार भी मिल रहा है। बात करें काला मूवी के टीज़र की, तो टीज़र में बाबिल खान एक शाही अंदाज में नज़र आ रहे हैं और इनके इस लुक को खूब पसंद किया जा रहा है। बाबिल खान टीज़र में एक खूबसूरत शेरवानी के साथ पगड़ी पहने भीड़ के सामने म्यूज़िक परफॉर्म करते हुए नज़र आए हैं। इस भीड़ में वो खुद को अकेलेपन से जूझते नज़र आ रहे हैं। टीज़र में गाने की शूटिंग भी नज़र आई है। काला मूवी में बाबिल खान और तृप्ति डिमरी के अलावा नीर राव, अविनाश राज शर्मा, स्वास्तिका मुखर्जी और आशीष सिंह लीड रोल में नज़र आएंगे। काला मूवी को अनविता दत्त ने निर्देशित किया है। काला मूवी का बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा तो फैंस इरफान खान के बेटे बाबिल खान को इस मूवी में देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। मेकर्स ने अभी इस मूवी का रिलीज डेट अनाउंस नहीं किया है, लेकिन जल्द ही इस मूवी का रिलीज डेट भी आपको सुनने को मिल जाएगा। इस टीज़र में बाबिल खान ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, जो लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइए कि काला मूवी का टीज़र आपको कैसा लगा और बाबिल खान को इस मूवी में देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।